हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुंबई आया था किसी काम से एंड मेरे पास 2-3 दिन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मुंबई एक्सप्लोर किया जाए। मुंबई एक्सप्लोर करने के लिए जो सबसे पहली जगह मैं विजिट कर रहा हूँ वो है ताज होटल। ये ताज होटल वही होटल है जहाँ पे 26/11 का अटैक हुआ था। ताज होटल के बिल्कुल सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। तो अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया विजिट करेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया विजिट करने के बाद हम जाएंगे एलिफेंटा केव। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। पर लोग यहाँ देखने आते हैं। यहाँ आकर के जो बेसिक जगह जाने वाली है वो प्राइमरीली है एलिफेंटा केव्स। आप यहाँ आकर के टिकट ले सकते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं तो आपको टिकट नहीं दी जाएगी। तो मेक श्योर करिए कि आपके साथ में कोई हो। मेरे साथ कोई नहीं था तो मैंने भाई को पकड़ा है और ये अब मेरे पार्टनर बन के जाने वाले एलिफेंटा केव्स। टिकट फाइनली मिल गई, एंट्री, थैंक यू। एलिफेंटा केव जाने के लिए ऐसी फेरी बोर्ड करनी पड़ती है। फेरी बोर्ड कर ली। ऊपर बैठने के 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए हमने। 10 मैंने दिए, 10 भाई ने दिए। आई एम नॉट श्योर आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, बट ये है आइलैंड। 45 मिनट्स हो चुके हैं एंड वी आर नियरिंग द आइलैंड नाउ। फाइनली हियर। करीब 1.5 घंटे की जर्नी थी मेरी। बहुत स्लो था सिचुएशन आज बिकॉज फॉग बहुत ज़्यादा था। तो आइए एलिफेंटा केव्स देखते हैं। यहाँ आकर के आप 2 तरीके से ऊपर जा सकते हैं, राइट। सो एक तो है पैदल चल के और दूसरा ऑप्शन है टॉय ट्रेन का। तो अभी हम टॉय ट्रेन का टिकट लेने वाले हैं। सो ये टिकट काउंटर है, 10 रुपये की टिकट है जाने और आने की। यहाँ आ रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि या तो अर्ली मॉर्निंग आएँ या फिर दोपहर के बाद वाले फेरी पकड़ें, बिकॉज दोपहर में तो भैया। तो बेसिकली ये वहाँ पोर्ट से लेकर के और आइलैंड की चढ़ाई की एंट्री तक की है। तो वो 5 रुपये का टिकट लेना होता है जो कि नॉमिनल है। इसके अलावा यहाँ से फिर आप चढ़ाई शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे 120 स्टेप्स की चढ़ाई, जो कि यहाँ से लेकर के ऊपर तक जाती है। आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा, रीज़न बीइंग जो सीढ़ियाँ हैं उनके दोनों तरफ दुकानें हैं। सो मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ और आप दुकानें देखिए। एंट्री करते सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये साइन। एलिफेंटा केव्स जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ आने के बाद आपको केव्स के अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। ये टिकट काउंटर है। प्राइस है 40 रुपीज़ फॉर इंडियंस। अभी हम पहुँचे हैं एलिफेंटा केव्स। वहाँ से एंट्री होती है, राइट। टिकट काउंटर भी वहीं पे। अगर आप वीडियो कैमरा यूज़ कर रहे हैं या फिर DSLR से वीडियो बना रहे हैं तो सिचुएशन को 25 रुपये चार्ज देना पड़ता है। वहाँ से चल के आएंगे, 50 मीटर चलेंगे तो एलिफेंटा केव्स आ जाती है। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, अभी आइए देखिए। आपका इस गुफा में स्वागत है। मेरा नाम प्रेम है, मैं यहीं पे रह रहा हूँ। आप जो एलिफेंटा नाम सुन के है ना, मुंबई से एलिफेंटा तक 11 किलोमीटर बोले तो 9 मील नीचे से ऊपर तक सीढ़ी चढ़ गए ना, तब के 120 सीढ़ी 120। यहाँ पे 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज़ लैंड हो गए। उनको पीछे साइड में एक बहुत बड़ा पत्थर का हाथी मिला। हाथी को देख के पोर्तुगीज़ चिल्लाने लगा एलिफेंटा एलिफेंटा, इसलिए स्टापू का नाम एलिफेंटा जी। इसका ओरिजिनल नाम है घारापुरी। घारा यानी पंडित, पुरी यानी शहर। इंडिया नामा चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर साथ में दबा दें ये बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे वीडियो देखते हैं, थैंक यू। शूटिंग प्रैक्टिस करके सारे मूर्ति तोड़ दिए। उनको लगा सारा पिलर काटेगा जो गुफा नीचे से खराब हो जाएगा, लेकिन नीचे गिरा है ना सिंगल वन रॉक। ये पिलर्स बोल रहे हैं, ये देखते हैं आपको दो कलर। हाँ हाँ, ये ऊपर का ओरिजिनल है। अरे ऊपर वाला पिलर अलग है। हाँ, इधर इधर हल्का सा कलर है, ये देखते हैं ना, ये सिमिलर है यहाँ से। ऊपर का ओरिजिनल है, ओके। ये नीचे का बाद में बनाया, ऊपर का असली है, करेक्ट। इसके अंदर देखो, इसके अंदर रॉड है, ओके। देखता ये रीबिल्ड किया अपने इंडिया गवर्नमेंट। इनके से लगा ये इनके पूरा इसमें मोनूमेंट गिराने है, इसलिए रीबिल्ड किया, जस्ट सपोर्ट दिया है। ये खाली डेकोरेशन के लिए है पिलर्स, okay। उन्होंने सारे 49 पिलर काटने में सारे हैंग हो गए, लेकिन नीचे गिराने एक सिंगल वन रॉक है, okay। ये बनाने का तरीका ऊपर से नीचे तक काटना और बाहर से अंदर तक काटना, इसका मोनालिथिक स्ट्रक्चर बना। मोना नहीं, सिंगल वन लिथिक नहीं रहा, एक ही चट्टान को काट के बना। ये 1300 साल पुराना है, 7वीं शताब्दी का है। ये शिवलिंग है, शिवाजा मेल सिंबल ऑफ मेल ऑर्गन, शिव ऑफ फीमेल, यानी पति पत्नी का सिंबल है। शिव का एक ब्रह्मांड है, लिंग है सृजन, शिव का आत्मा सोल ये अंदर एक शरीर के अंदर प्रकट होता है, तब उनका नाम शिव। शिव बोलेगा शक्ति का सिंबल, इसलिए हर एक ये द्वार पर नहीं पीछे ना, द्वार पर लगा यहाँ पे दो, वहाँ पे दो, वहाँ पे दो, वहाँ पे दो, यानी पूरा पश्चिम दक्षिण चौमुखी है, चार द्वार है, यानी पूरा पश्चिम दक्षिण होते चार ही दिशाओं के दर्शन का दर्शन से। अब विष्णु के द्वार में जाएंगे और द्वार पर का नाम है जय विजय, जिनका नाम है ऋगु, भृगु, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, यक्ष, दक्ष और यमराज, यानी चारों तरफ शिव का दर्शन लेते। मतलब हर एक गेट के ऊपर द्वार गार्ड सिक्योरिटी ऐसे द्वारपाल बनाए इन्होंने। हाँ हाँ, और 4 द्वार हैं, चारों पे सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी, करेक्ट। शिव भगवान का रुद्र अवतार है, शिव भगवान ने अंधक नाम के राक्षस को मार दिया, मारने के बाद उसका खून नीचे गिरता ना, हर एक गुण से नया राक्षस निर्माण ना हो, तो शिव भगवान उसका खून अपने कटोरे में इकट्ठा करके पूरा पी लेते ताकि नया राक्षस पैदा हो। जैसे काली माता रक्ताभिषेक को मारते, शिव भगवान अंधक राक्षस हुआ। शिव भगवान बहुत गुस्से में आता तब तीसरा नेत्र खोल देते हैं, जहाँ बिंदी लगा ना वहाँ पे थोड़ा है, ये तीसरा नेत्र खोलने के बाद सारे लोग भयभीत होते हैं। शिव भगवान ने बेल का इस्तेमाल किया, घंटा बजाने, पहले राक्षस लोगों को मारते, इसलिए हर एक मंदिर में बेल होता है, घंटा बजाएंगे तो अपने निगेटिव एनर्जी आउट होता है। फिर हम सुबह में पूजा पाठ करते घर में ही बेल बजाते हैं, ये बेल का सिग्निफिकेंस है। ये अप्सरार गंधर्व के बीच में शिवलिंग का डोम दिखा, शिव की एनर्जी और उसका सिंबल है। वो जमाना आर्टिस्ट है ना, अंदर में लाइट नहीं, तो उन्हें क्या दिमाग चलाया, यहाँ पे पानी का टप बनाया, ऊपर से फेस ओपन गया, सूरज का रिफ्लेक्शन अंदर चला गया, उनको सफिशिएंट लाइट हो जाती है। ये पीछे यहाँ पे फेंक देते, इसमें नेट लगा है, ये देखो इसके अंदर कछुआ देते, नो आइडिया, दिखेगा ही नहीं। ये क्या दिखता है ना, इधर जाओ उधर जाओ आराम से जाओ। अच्छा उधर वो खाएंगे पिएंगे इसलिए फेंक के जाएंगे, इसमें भी नेट लगा, पकड़ो मेरा। अभी यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग है सर, शिव और पार्वती का शादी हो रहा है, बिफोर मैरिज है, शादी के पहले राइट है, शादी के पार्वती लेफ्ट में, क्योंकि हर एक इंसान का दिल लेफ्ट में होता है, पार्वती माता भी लेफ्ट में चले गए, ये राइट में है, तो इनका फेस शरीर में है कि सारी बारात है ना, उनका ध्यान दुल्हन को है, काले गोरे कितना मिठास बनाए, कितना सुंदर है, वो अंदर से घबराए रहती है, फेस के ऊपर शर्मिलापन है, शादी का इनके फेस पर खुशी भी मिलेगी, साइड चेंज मिलेगा, दिखाएंगे आपको अभी में। ये पार्वती का पूरा फैमिली है, शिव का फैमिली है, शिव खुद भगवान है, शिव की शादी में उनका जो बाराती है ना, भूत पिशाच वगैरह कुछ भी दिखता नहीं, राक्षस लोग हैं, अगर देख लेंगे तो यहाँ के सारे लोग घबरा जाएंगे कि इंसान है। पार्वती माता भी इंसान थी, लेकिन शिव के संग शादी करने का अच्छे लोग उनका पावर देता है, फिर माता बन जाते हैं आदिशक्ति। पार्वती का पूरा फैमिली, पार्वती का पिताजी उनका नाम हिमनरेश, वो हिमालय के राजा रहते, अपने बेटी का कन्यादान करते हैं, इनका ओरिजिनल नाम है दक्ष प्रजापति, सती के पिता। पार्वती माता का नाम हिमावत है, वो हिमालय के रानी थे, जो पार्वती का मामा बन गया ना, उनका नाम है चंद्र देवता, मून गॉड, इसलिए उनको चंदा मामा कहते। कितना स्टैचू इनके पीछे में क्रेसेंट मून है, उन्होंने कलश में शहद लेके आया, देखो इंटरेस्टिंग कितना है, शहद इसीलिए लेके आए कि पार्वती माता का लेक्चर देते, पार्वती माता आप सर्वसामान्य लेडी ने, शिव के संग शादी करने का आप सबकी माता हो गई, आदिशक्ति हो गई, तो आपको शिव के संग हर एक बात करें, हर एक बात में प्यार होना चाहिए, मिठास होना चाहिए, जब भी ये मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे, इसी कारण इस पैनल को नाम दिया मधु चंद्र हनी मून, क्योंकि मून गॉड हनी लेके आए, लेकिन आजकल का हनीमून का मतलब है, अब कौन से भी शादी में जाएगा दूल्हा तो उनको मधु खिलाता है, मधु ने क्या आइसक्रीम खिलाता है, और जितना भी पब्लिक आता है ना सेलिब्रेट, सारे लोगों को आइसक्रीम खिलाता है, यानी हम भी मीठा हो जाए, पूरा पूरा दुनिया मीठी हो जाए। ये अप्सरा और गंधर्व शादी में आशीर्वाद देंगे, फूलों से स्वागत कर देंगे। ये विष्णु भगवान है, उनको विटनेस करके भेजा, विटनेस देकर फूल का कुछ प्रेजेंट देंगे। इनकी पत्नी लक्ष्मी, ये ब्रह्म जो है ब्राह्मण का काम करता है, पवित्र अग्नि को साक्षी मान के श्वार पात्र साथ फेरे लगाने के बाद पार्वती माता यहाँ पे शोभा माता, ये शादी के पहले, शादी के बाद दिखा रहा है। इस लोगों ने कमाल किया है। शिव और पार्वती शादी हो गई, साइड पे चेंज गए, लेफ्ट में फेस कर पूछे गए, ये भागीरथ राजा शिव के पुजारी, धरती के ऊपर पानी का एक भी बूंद नहीं गिरा, सारे मिलकर शिव की आराधना करके शिव अपनी गंगा को उठा के अपने सर के ऊपर डाला। गंगा पानी निर्मिति की देवता है, यमुना भक्ति की देवता है, सरस्वती ज्ञान की देवता है। जब तीन नदियाँ एक साथ मिलते इलाहाबाद में, वाराणसी में, कुंभ मेला में, प्रयागराज में, इसको त्रिवेणी संगम मिलता है। गंगा अभी भी है, यमुना में सरस्वती लुप्त हो गई। अपसरार गंधर्ज है, ब्रह्म हर एक भगवान का वाहन है। जैसे हम हम गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो ब्रह्म जी हंस के ऊपर है, इंद्र भगवान हाथी के ऊपर है जिसका नाम ऐरावत है, ये विष्णु गरुड़ के ऊपर है, गरुड़ दादा पंचेत आधा आदमी ने थे, ये छोटे छोटे बहुने लोग हैं, डुआप्स बामन, ये भूल है, नंदी शिव के वाहन है, इनके गाने में बेल है, ये भागीरथी राजा शिव के पूजा, शिव और पार्वती शादियों के साइड में चिन्ह, ये ध्यान कक्ष था, इसके अंदर टूटाऊ मूर्ति स्टोर के लिए। अभी आपको जितना भी लेक्चर देना आप उतना डिलीट कर सकते हो, डिलीट तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ये मत करना क्योंकि ये हमारे महाराष्ट्र टूरिज्म का सिंबल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में करेंगे। भगवान का नाम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड, इसका मीनिंग है कि आप मानो या ना मानो, विश्वास रखो ना रखो, अपने अपनी मर्जी के। हम लोग मराठी लैंग्वेज में भगवान को देव कहलाते हैं। देव मीन्स गॉड, देव का मतलब क्या है, देव प्लस अ प्लस व इज इक्वल टू देव। देव मीन्स देने वाला, अ मीन्स अस्तित्व तो रक्षण करना, व मीन्स विनाश करना। हम लोग हिंदी में कहते हैं भगवान, भगवान ने निर्माण करना, देव ने रक्षण करना, वान को नहीं कर सकता। एक बात बताइए, बोलिए, ये बनाया यहाँ जिस टाइम पे बनाया उस टाइम पे कोई जुगाड़ उठा नहीं आने का, जुगाड़ है वो पहले बड़े पेड़ आता था ना उसको काट के नाव बना के गिला के लेके आते वैसे लोग, वो लोग यहाँ आए। और उनको ये पहले मंदिर था अपने हिंदू धर्म में, भग्नमूर्ति की पूजा नहीं करते, अभी ये मॉन्यूमेंट है ना, टूट गया टूटा हुआ मूर्ति की पूजा नहीं करता, अरे सारा टूटा हुआ इसके अंदर स्टोर करके गए। पहले ध्यान कक्ष था, ये शिव का पहला रूप है, वामदेव तत्पुरुष अघोरी, सृष्टि स्थिति लाइक क्रिएटर प्रोटेक्टर डिस्ट्रॉयर, इसका कहता है गॉड जी, चीफ और जनरेटर। फाइनली आज की डेट में हम केवल लास्ट वाले को जानते हैं, इन दो को जानते ही नहीं है। हाँ, और भी दो रूप है वो भी दिखाई नहीं देते, ज्ञान जो तो वो सत्य देव पीछे में रहते हैं कभी दिखाई नहीं देते। वामदेव का फिर सुंदर दिखाई, इनके हाथ में कमल का फूल है, क्रिएटर का सिंबल है। तत्पुरुष विष्णु भगवान, इनके हाथ में नरेश का फूल। अघोरी कुछ शिव है, इनके हाथ में सांप है, उसको कहते हैं मीन्स गॉड इज अ क्रिएटर, गॉड इज अ प्रोटेक्टर, गॉड इज अ रिसर्वर, गॉड इज अ ग्रेट, उसको कहते हैं गॉड जी ओ डी, जी फॉर जनरेटर, फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, सो गॉड इज अ ग्रेट। अरे दोनों तरफ से द्वार पर है गॉड सिक्योरिटी, ऊपर में चंका देंगे कंटिन्यूसली वो यहीं रहते हैं। हाँ, अंधेरा पर है शिव का इंटरेस्ट में लास्ट होता है, इसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। शिव और पार्वती शादी के बाद अलग अलग नहीं, एक है, इसलिए हम लोग हमारी पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। इनके कान में बाली है, हाथ में आईना है, मिरर बैंगल्स। तो आधी तरफ नारी है आधी तरफ पुरुष है। अपने हिंदू धर्म में जो औरत है दुपट्टा पति, और ये पोज है नटराज पोज है ना, नहीं 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 ये अर्धनारीश्वर, वो मैं समझ गया, बट जो उनका हाथ का पोजीशन है वो, इनके हाथ में सांप है, नंदी की और शिवकान सवारी से। शिव और पार्वती शादी के बाद अलग अलग नहीं, एक है, इसलिए हम लोग हमारी पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, आधा शिव का आधा पार्वती। ये वाइट वाइट स्पॉट है, बुलेट का ही दिखता है, ये एक बुलेट बाकी भी। अरे ध्यान कुछ अच्छा अच्छा, वो बुलेट स्पॉट, बुलेट था, बुलेट सीमेंट भर दिया, सीमेंट है। और अच्छा उन लोगों ने यहाँ आकर के प्रैक्टिस की बाकायदा। हाँ करेक्ट, बैठ के युद्ध खेलते, फांसी डाइस दो बार खेलते, दोनों बार कोई भी हारता नहीं जीतता नहीं, मैच ड्रा होता है। शिव कहते पार्वती को हम आखिरी दाव खेलेंगे, इसमें नंदी को रेफरी बनो, ये नंदी को जज बना था, जज होने के नाते रह जाते थे। पार्वती माता हार गई, शिवगण जीत गए, इसलिए पार्वती माता बहुत गुस्से में आके नंदी को श्राप देते कि तुम शिव के नौकर हो, शिव के फेवर में जाके शिव को जिता दिया, मेरे को हरा दिया, कि अगले जन्म में आप जब भी धरती के ऊपर लौटेंगे बहुत ही कष्ट का काम करना, इसीलिए गायों को कष्ट जमाने से आज तक बुल नंदी बैल का काम है, जैसे खेत में नंगर चलाना, हार चलाना, कि पार्वती के सिंह चुटेंगे, पार्वती माता को श्राप देंगे। ये अप्सरा गंधर्व बीच में डेकोरेशन है माउंटेन का, ये उमा भारती साधवी अपनी छोटी शिशु को भी लेके आए, जैसे वॉच करता क्रिकेट और फुटबॉल, ये ऑडिस देख रहे हैं कैसे शिवा पार्वती के लिए, ये वायु देवता है, इनके मुँह से हवा निकल रही, ये भूल है लेकिन पौधे हैं, ये जंगल के एनिमल्स हैं, ये दोनों तरफ ये द्वारपाल है, शिव के पुजारी है भृगु ऋषि, ये अप्सरा और गंधर्व से, और बीच में शिव का जो माउंटेन का डेकोरेशन है कैलाश का। तो ये तो इधर वाली गुफा हो गई, वहाँ से पत्थर गिर जाता उसको बंद किया। एक्चुअली सर ये ओरिजिनल एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार। लेकिन पहाड़ गिरने के कारण और क्योंकि हो गया ना 500 साल पहले तो माउंटेन्स कोलैप्स होने के कारण इंट्रेंस बंद कर दिया और उधर से चालू किया। आप कौन से भी मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में चर्च में पूरब से शुरुआत करता है क्योंकि पूरब है, पूरब से पहले की रहने के लिए नंदी की सर्कल गिर के डायरेक्ट शिवलिंग पर गया। ये सर्कल में जाएंगे ना आप शिव के मंदिर में तो पहला नंदी का दर्शन होता है। ये सर्कल में नंदी था लेकिन पोर्तुगीज तोड़ता है क्योंकि यहाँ से अंदर देखेंगे ना दो द्वारपाल विष्णु शिवलिंग है, नीचे का पहला श्री चंद्रशिला ये दिखता है ना स्टेप, उसको चंद्रशिला कहते हैं। यहाँ से अभी अंदर देखो दो द्वारपाल विष्णु शिवलिंग है, नीचे का पहला श्री चंद्रशिला, चंद्र यानी आधा चांद, शिला यानी पत्थर का बना। ऐसे क्यों बनाता है कि मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं क्रेसेंट मून देखने के बाद क्योंकि मून है ना धीरे 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 बढ़ते जाता है। ऐसे अपने लाइफ में आने वाली संपत्ति धीरे धीरे बढ़ना चाहिए तो घर के सामने या दुकान के सामने चंद्रशिला रखते हैं। ये हमारी मर्जी से नहीं बनाते, वास्तुशास्त्र में बना। जब भी ये बनाएंगे तो इसकी पूजा पाठ होना चाहिए तो फलदायक होता है, अदर्स नॉर्मल हो जाता है। अभी आप यहाँ से ले लो, बहुत ही बढ़िया है। इधर सो नहीं सो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो आप बोल रहे हो कि वो टेम्पल और ये टेम्पल ये दोनों एक लॉजिक के साथ हैं। हाँ 90 डिग्री पे बने हुए हैं और उसका लॉजिक कुछ नहीं है। उसका लॉजिक है कि एंट्री उधर से होनी चाहिए, वहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ पानी भरता है नीचे, पानी नहीं वहाँ पे शिवलिंग शिव जी का वाहन रहता है और वहाँ नंदी हुआ करता था। सो अगर आप उसमें जाओगे तो भी नंदी मिलेगा, इसमें आओगे तो भी नंदी मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि 90 डिग्री अब वहाँ पे देखो शिव भगवान, यहाँ पे देखो शिवलिंग, वहाँ पे शिवलिंग। शिव और पार्वती कैलाश में बैठ के तपस्या करते हैं। नीचे रावण है, रावण को अपने बल का बहुत अहंकार है, पूरा पर्वत उठा के लंका लेके जाना था। लेकिन पार्वती माता जी के महादेव मुझे इनके संग लंका नहीं रहने का, मेरे आप के संग रहना। शिव का नीचे सर्च करते हैं, नीचे रावण है। शिव का अपना दावा पैर बाहर निकाल के पैर का सिर्फ अंगूठा से दबा देते हैं, वैसे पूरा पर्वत जहाँ से उठा लेते हैं वहाँ पे जाके रुक जाता है। उसके नीचे रावण दब जाता है। फिर रावण को एहसास होता है कि हमसे भी दुनिया में शक्ति है जिसका नाम भगवान है। उसके बाद रावण ही शिव का बहुत बड़ा भक्त होता है, इसको कहलाता है रावणानुग्रह मूर्ति शिव, यानी रावण का अहंकार को नष्ट कर देना। ये रावण का 10 माता है लेकिन तोड़ दिया, इसलिए दस राज होता है। उसके बाद शिव को बड़ी कड़ी तपस्या करके शिव को शांत करने के लिए स्त्रोत्र बनाते हैं, यदा यदा ये ब्रह्माणी सूर्यास्त, यानी स्तुति करते हैं कि आप शिव सूर्य से बड़े हो, चंद्र से बड़े। शिव स्तोत्रम जो है बेसिकली उसी आधारित है, यही वो इंसिडेंट है कि आप सृष्टि से भी बड़े हो तो विष्णु भगवान माफ़ कर देता है कि तुम ही सबसे बड़े भक्त हो। वो जमाने से शिव का सबसे बड़ा भक्त हो था रावणानु ब्रह्मूर्ति शिव, ने रावण का अहंकार युगो नष्ट हो। यहाँ पे लास्ट है नहीं, ये तो बेसिक में ये तो मेन गुफा है, इसके अलावा भी तो गुफा है। मूर्ति कला नहीं उसके अंदर, जस्ट ट्राई किया छोड़ दिया 2 मिनट का रास्ता, उसमें मूर्ति कला नहीं है। शिव भगवान योगी राज आज के इतिहास में वर्ल्ड में ओरिजिनल का कोई भी कर देगा। जो रामदेव बाबा योगा का था मैं सेहत के लिए, पतंजलि हट के योगा, राग बहुत सारे योगा, लेकिन ओरिजिनल योगा 3 ही प्रकार के, ज्ञान योगा जो पढ़ाई लिखा गया, भक्ति योगा जो पूजा पाठ, कर्म योगा जो सुबह से शाम तक काम करता है। उसके अंदर सबसे महान योगा है वो भक्ति योगा है। भक्ति करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान करने से कर्म की प्राप्ति होती है, कर्म करने के बाद ही मोक्ष होता है। अब ये खुद भगवान है, उनको योगा करने की क्या ज़रूरत है? वो खुद के लिए योगा नहीं करते, विश्व शांति के लिए योगा करते। नीचे दोनों साइड में तो लेडीज है, इनका फेस लेडीज है लेकिन बदन सांप के जैसा है। उनको नागा करने या विश करना कहलाता है कि शिव को डिस्टर्ब मत कीजिए, शिव में ध्यान मत रखना। उसका था पद्मासन, पद्म यानी कमल का फूल, हंस लेने बैठने का तरीका, सांस धीरे धीरे अंदर लेने का, धीरे धीरे छोड़ने का, उसके अंदर भगवान का नामस्मरण करने का, इसका योगा सगेटिक योगा गेरेट पावर, इतना योगा मिले। इसलिए हमारे पूरा हिंदुस्तान में जो 21 जून है ना ये योगा सेलिब्रेशन करता है, पूरा वर्ल्ड में योगा है। ये योगा यहाँ से शुरुआत होता है। ये अपसरार बंदर है, वही दिखा है, ये अपसरार बंदर है। ब्रह्मा हंस के ऊपर है, इंद्रा भगवान हाथी के ऊपर है, ये विष्णु गरुड़ के ऊपर है, ये शिव का लास्ट रूप है, शिव भगवान योगेश्वर के रूप है, इसको कहते हैं लकुलेश्वर योगा। शिव भगवान कमल के फूल के बैठ के ध्यान से बैठ के योगा करते हैं, इसके लिए पद्मासन काफ़ी खतरनाक। तो ये था एलिफेंटा केव्स। बेसिकली यहाँ पे 5-6 केव्स हैं। जो सबसे बड़ी केव है वो यही वाली है, इसके अलावा छोटी छोटी केव्स है बट वहाँ कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, वो नॉर्मल स्टोन केव्स हैं। सो उनमें जाने का कोई सेंस नहीं लगा मेरे को। हाँ, यहाँ एक चीज़ और है जो देखने लायक है, वो है एक कैनन जो कि ब्रिटिशर्स ने लगाई थी, वो टॉप पे है। सो अभी हम वहीं जाने वाले हैं। सो अभी वहाँ चलते हैं, मैं वो कैनन दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये कैनन देखना बिल्कुल ना भूलें। सो ये कैनन है। बेसिकली थाईलैंड के ऊपर 2 कैनन्स लगाई थी ब्रिटिशर्स ने पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप देख पाएँ दूर में थोड़ी दूरी पे तो वहाँ पे वो पोर्ट है, राइट, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है ये बेसिकली पोर्ट है यहाँ का, और इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक कैनन लगाई थी। यहाँ पे बेसिकली 2 कैनन्स हैं, एक कैनन ये वाली और दूसरी कैनन आपको दिखाता है। एक बात तो है कि यहाँ की चढ़ाई जान ले लेती है, बट ऊपर से नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं वो औसम है, सारा पैसा वसूल हो जाता है, सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो अभी हमने एक कैनन देखी है, अभी हम दूसरी कैनन देखने जा रहे हैं। इसके बाद हम वापस से नीचे पोर्ट पे जाएंगे और वहाँ से वापस मुंबई जाएंगे। केव्स देखना, टॉय ट्रेन, ऊपर आके कैनन्स देखना, ये सब करने में आपको 2 से ढाई घंटा लगने वाला है मिनिमम। आई एम सॉरी फॉर दी बैड क्वालिटी ऑफ ऑडियो बिकॉज एक GoPro से शूट कर रहा हूँ मैं, DSLR की बैटरी निकल गई। ये पहली कैनन है जो कि यहाँ ब्रिटिशर्स ने लगाई थी, ऊपर दूसरी कैनन भी है, वो हम देख के आए हैं। साढ़े 3 घंटे यहाँ निकालने के बाद नाउ वी आर हेडिंग बैक। वी हैव टेकन द वेरी सेम फेरी जिससे हम आए थे। जो आप टिकट का प्राइस पे करते हो उसमें आना जाना दोनों होता है, प्लस आपको जो हेरिटेज साइट है उसमें उसके अंदर फिल्म नहीं करने देते फाइनली हम वापस आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको हम अपोलो बंदर भी बोलते हैं। जायसवाल साहब ने बहुत साथ दिया मेरा आज, अगर जायसवाल साहब नहीं होते तो आज मेरे को एलिफेंटा केव्स अलाउ ही नहीं करते, बिकॉज सिंगल पर्सन को अलाउ नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि अगेन मुंबई के ऊपर होने वाली है। सो ये आज मेरा पहला दिन था मुंबई में, कल और परसों मैं और मुंबई में हूँ। सो अभी 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन में हम और मुंबई एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, राइट। अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी आपको लगता है कि अभी मिसिंग है, मिल नहीं पाई, आपको कमेंट सेक्शन नीचे जाइए और लिख के मुझे बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।